हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अच्छे होंगे। तो दोस्तों जो है कि हम अपने डेबिट को बाहर निकाल चुके हूँ और दोस्तों जो है कि आज रोज़ की तरह उन्हें घास नहीं मिली हुई है खाने के लिए। तो दोस्तों जो है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है हमारे डेबिट, जैसा कि आप देख भी सकते हैं जो है कि कुछ जो हमारे रैबिट है इधर है और दोस्तों जो कुछ रैबिट है वो रूम में है, कुछ अपने रूम में है, इधर उधर घूम रहे हैं क्योंकि दोस्तों आज रोज़ की तरह इन्हें खाने के लिए कुछ मिला नहीं है। तो दोस्तों देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं जो है कि कुछ जो तीन जो रैबिट हैं यहाँ पे हैं और जो है कि एक जो रैबिट है यहाँ पर सोई हुई है, ठीक। और जो है कि सभी के सभी जो मेरे रैबिट हैं इसी रूम में हैं। ये देखिए दोस्तों, ये कुर्सी पे चढ़ चुका है। वहाँ पे दोस्तों जो है कि लहसुन रखा हुआ है, तो उस खाने वाली चीज़ होगी तो खा लेंगे, लेकिन दोस्तों ये लहसुन नहीं खाते हैं और आप देख भी सकते हैं कैसे खाने के लिए उतावले हुए हैं। देखिए दोस्तों, जब भी दोस्तों इन्हें भूख लगती है तो दो पैरों पर खड़े हो जाते हैं। कोई भी रैबिट हो दोस्तों, मेरे रैबिट या और जो भी रैबिट होते हैं, जब उन्हें भूख लगती है तो वो दो पैरों पर खड़े हो जाते हैं। जैसे कि दोस्तों फिलहाल हमारे रैबिट को आप देख सकते हैं कि कैसे दो पैरों पर खड़े हो रहे हैं। हम भी दोस्तों यहीं पर हूँ और जो मेरे रैबिट है मेरे पास ही हैं, ये दो पैरों पर खड़े होकर खाने के लिए मांग रहे हैं। तो दोस्तों जब भी रैबिट दो पैरों पर खड़े हों तो आप समझ जाइएगा कि जो रैबिट है उन्हें भूख लगी हुई है, क्योंकि जब भी इन्हें भूख लगती है तभी ये दो पैरों पर खड़े होते हैं। जैसा कि फिलहाल आपने हमारे रैबिट को देखे और हम अभी भी आपको दिखलाते हूँ, जैसे कि देख सकते हैं दो पैरों पर खड़े हो रहे हैं और पास में ही मैं हूँ जो है कि ये कुछ खाने के लिए मांग रहे हैं। तो दोस्तों जो है कि आज तो रोज़ की तरह घास नहीं है इनको खाने के लिए, देख सकते हैं। दोस्तों जब भी इन्हें भूख लगती है ये ऐसे ही करते हैं, लेकिन दोस्तों जो है कि इन्हें सेव मिला है खाने के लिए, देख सकते हैं। देखिए कितने मज़े से खा रहे हैं, इन्हें बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई थी। तो दोस्तों देख सकते हैं जो है कि सेव बहुत ही मज़े से खाते हैं। देखिए दोस्तों फिलहाल जो है कि हमारे रैबिट यहाँ पे कुछ सेव पड़ा हुआ है और खा रहे हैं। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो है कितने मज़े से सेव खा रहे हैं। और जो है कि एक जो रैबिट है इधर खड़े, उधर जाओ, यहाँ पे सेव है, लो देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों हाथ नहीं काटते हैं, आराम से खा लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी रैबिट रखे हैं और आपके रैबिट जब भी ऐसे करें दो पैरों पर खड़े हों, तो दोस्तों आप समझ जाएगा कि रैबिट को बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई है, वो खाने के लिए कुछ मांग रहा है। तो दोस्तों जो है कि जब देखिए दोस्तों जो है कि एक जो जो फीमेल रैबिट है इधर लाकर सेव खा रही है, तो जो है कि इन्हें भूख लगी हुई है। तो दोस्तों जब भी इन्हें भूख लगता है ऐसे ही खाने के लिए कुछ मांगते हैं दो पैरों पर खड़े होकर। जैसा कि दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अभी देखे भी होंगे कि जो मेरे रैबिट है वो कैसे दो पैरों पर खड़े होकर और खाने के लिए कुछ मांग रहे थे। और दोस्तों ये देखिए, ये दोस्तों जो है कि ये कूस है जो हमारा जो रैबिट है वो खा रहा है और जो है कि इधर उधर जो है सभी मस्ती कर रहे हैं। तो दोस्तों जो है कि फिलहाल हम इन्हें कुछ गेहूं दे देती हूँ आज खाने के लिए, फिर दोस्तों जाएंगे खेत की तरफ और रैबिट को खाने के लिए हरी घास लाएंगे।
अभी जो है कि फिलहाल देख सकते हैं जो है कि गेहूँ बहुत ही मज़े से खा लेते हैं। तो दोस्तों जो है कि थोड़ा ही गेहूँ देंगे, नहीं तो नुकसान करेगा। तो हमने थोड़ा सा गेहूँ दे दिए और जो है कि मेरे सभी रैबिट खा रहे हैं, आप देख भी सकते हैं। और दोस्तों जो है कि हम चलते हैं रूम में, देखते हैं अपने कबूतर और रजिस को कि वो क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों जो है कि हम रूम में आ चुके हैं और यहाँ पे मेरे कबूतर हैं, आप देख सकते हैं। और दोस्तों इधर जो है कि हमारे बगीचा, सभी के सभी मस्ती कर रहे हैं और सभी जो है कि भूख लगी हुई है इन्हें, तो हम इन्हें भी खाने के लिए देंगे अभी। और इधर जो है कि देख सकते हैं बहुत क्यूट लग रहे हैं जो हमारे कबूतर हैं, बहुत क्यूट लगते हैं दोस्तों। और इधर जो रैबिट है ये भी, और दोस्तों इधर जो हमारे वजीज हैं ये भी बहुत ही क्यूट लगते हैं, हमेशा दोस्तों चू 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 बोलते रहते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि बोल रहे हैं। और ये तो जो हमारे कबूतर है ये खाने के लिए दाने मांग रहे हैं, देख सकते हैं दरवाजे के पास जो मेल कबूतर है वो खड़ा हुआ है। दोस्तों अब ये खाने के लिए परेशान है, तो हम इन्हें खाने के लिए अभी दूंगी दोस्तों। और जो है कि फिलहाल चलते हैं हिनम रैबिट के पास, और इधर जो ब्लैक वाला रैबिट है हम इसे भी खाने के लिए दूंगी क्योंकि इसे भी भूख लगी हुई है। देख सकते हैं दो पैरों को ये भी खड़ा हो रहा है पिंजरा के अंदर ही। और दोस्तों ये जो है यहाँ पर जो रखी हुई है ये कपड़ा, इससे दोस्तों हम अपने बचीज और कबूतर के पिंजरे को रात में ढक देती हूँ ताकि उसे ठंडी ना लग सके। तो दोस्तों हम इसे ढक दें। और इधर देख सकते हैं इधर जो हमारे रैबिट हैं गेहूँ खा चुके हैं और मस्ती कर रहे हैं। फिलहाल जो है कि आप देख सकते हैं, तो दोस्तों जो है कि हमें कहीं से भी इन्हें खाने के लिए हरी चीज़ लाना पड़ेगा। दोस्तों अगर मूली की पत्ती या हरा गोभी या हरी घास जो भी मिल जाए दोस्तों हमें लाकर अपने रैबिट को देना होगा क्योंकि इन्हें बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई है। आप देख सकते हैं दो पैरों पर जो है कि खड़ा है। तो दोस्तों जो है कि देख सकते हैं ऐसे दोस्तों अगर आपकी रैबिट खड़े होते हैं आपके सामने, तो दोस्तों आप समझ गए जाइएगा कि जो हमारा रैबिट है वो भूखा हुआ है, उसे बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई है। क्योंकि दोस्तों जब भी इन्हें भूख लगती है तो ऐसे ही करते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि आप कैसे पहचानेंगे कि हमारे रैबिट को भूख लगी हुई है। अगर दोस्तों आपका रैबिट का पेट भरा होगा, भूख नहीं लगा होगा, तो दोस्तों आप उसे कुछ भी खाने के लिए देंगे तो नहीं खाएगा, आराम से दोस्तों सोया रहेगा। और जो है कि हमारे जो रैबिट हैं इन्हें तो बहुत ज़ोर के भूख लगी हुई है, ये दो पैरों पर खड़े हो रहे हैं, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों आज का वीडियो यही रहा कि दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि जो हमारे रैबिट थे दो पैरों पर खड़े हो जा रहे थे। तो दोस्तों हम यही आपको बताने वाली थी कि रैबिट हमेशा दोस्तों दो पैरों पर खड़े नहीं होते हैं, कभी कभी दो पैरों पर खड़े होते हैं। तो दोस्तों मैं हम यही कहना चाहूँगी कि जो रैबिट होते हैं वो दो पैरों पर खड़ा कब होते हैं, क्यों होते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों जो है कि जो रैबिट होते हैं जब इन्हें जोर को भूख लगती है तभी जो है कि ये दो पैरों पर खड़े होते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो रैबिट है वो दो पैरों पर खड़ा होकर क्या कहना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, अब मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।